दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पिंकू के साथ कुछ उदाहरण देखे, अब हम पिंकू के साथ आईने में देखे गए चित्र और बिंदु रेखा से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में देखेंगे। पिंकू, अभी तक तुमने इतने सारे चित्र देखे, अब मैं तुमसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जवाब दे पाओगे? हाँ दादाजी, मैं तो आसानी से सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है पिंकू, तो ये बताओ कि इस चित्र में हम बिंदु रेखा कहाँ बनाएं कि इसके आधे भाग पर आईने को रखने से हमें पूरा चित्र नजर आए। दादाजी, इस चित्र में हम बिंदु रेखा को इस प्रकार से बना सकते हैं। अच्छा पिंकू, अब जरा आईने को इसी स्थान पर रखकर देखो तो क्या बनता है? दादाजी, ये तो कुछ अजीब सा बन गया। जब मैंने आईने का मुख बाईं ओर रखा तो ऐसा चित्र बना, और जब दाईं ओर मुख किया तब ऐसा बन गया। ऐसा क्यों हुआ दादाजी? क्योंकि पिंकू, तुमने गलत बिंदु रेखा बनाई थी। सही बिंदु रेखा कुछ ऐसी दिखेगी। ये लो पिंकू, अब तुम इसे आईने में देखो। हाँ दादाजी, अब तो ये दो बराबर आधे आधे भागों में बट गया है। पिंकू, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हर चित्र के लिए अलग अलग बिंदु रेखा होती है। पिंकू, इस कार्टून को देखो। अब आईने को ऐसी जगह रखो कि इस कार्टून के दोनों हाथ इस तरह से ऊपर हो जाएं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोक कर सोच सकते हैं। दादाजी, ये कार्टून तो बहुत मजेदार है, पर इसके दोनों हाथ ऊपर कैसे हो सकते हैं? इसका तो एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे है। पिंकू, ध्यान से देखो, यदि तुम आईने को इस रेखा पर रख दो और आईने का मुख दाईं तरफ करो तो तुम्हें ऐसा चित्र प्राप्त होगा। मैं एक बार आईने को इस तरह से रख कर देखता हूँ। दादाजी, इसके दोनों हाथ ऊपर हो गए। पिंकू, अब क्या तुम इसके दोनों हाथों को इस प्रकार से नीचे कर सकते हो? हाँ दादाजी, इस बार सिर्फ आईने का मुख बाईं ओर कर देना है और ऐसा चित्र दिख जाएगा। प्यारे बच्चों, अब तक आपने देखा कि शीशे के सामने चित्र कैसे पलट जाते हैं, और ये भी जाना कि बिंदु रेखा हमेशा सीधी वर्टिकल रेखा नहीं होती, ये रेखा आड़ी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। अब आप इन चित्रों को देखिए और बताइए कि आईने को इस चित्र में कहां रखा जाए कि दिए गए चित्र दिख जाएं। अब तक आपने देखा कि आईने का मुख बदलने से कैसे चित्र बदल जाते हैं, और सही बिंदु रेखा पहचानना भी सीखा। आशा करते हैं कि पिंकू की गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा, और अब आप इस विषय के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद।